और आज का टॉपिक है डिस्क्राइब व्हाट यू थिंक वुड बी द परफेक्ट जॉब फॉर यू। आपने अपनी ड्रीम जॉब या परफेक्ट जॉब के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है। और हमारे पास पॉइंट्स हैं, व्हाट जॉब इट इज, व्हाट यू वुड डू इन दिस जॉब, एंड व्हाट स्किल्स यू वुड नीड टू लर्न फॉर दिस, एंड व्हाई दिस वुड बी द परफेक्ट जॉब फॉर यू। इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने अपना जो आंसर है वो लिखना है। और स्टार्टिंग उसकी कैसे हम कर सकते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, इन माय ओपिनियन अ गुड करियर इज नॉट ओनली अ जॉब दैट कैन ऑफर मी अ गुड इनकम टू अफोर्ड माय लिविंग बट इज इंजॉयबल एज वेल। यानी मेरी नजर में एक अच्छा करियर जो है वो सिर्फ ऐसी जॉब नहीं है जो हमें एक अच्छी इनकम दे सके कि हम अपने लिविंग स्टाइल, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन बल्कि ये भी कि वो इंजॉयबल भी हो साथ में। सो इन माई ओपिनियन, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि मेरी राय में, मेरा नुक्ते नज़र ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ भी इन माई ओपिनियन, या हम यूँ भी कह सकते हैं एज आई सी इट, एज आई सी इट, यानी मेरी नज़र में ऐसा है या मैं ऐसा सोचता हूँ। सी मीन्स मसलन सोचना भी हम इसको कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर देखिए ये एज वेल, एज वेल जब हम लास्ट में लिखते हैं तो इसका सेम मीनिंग होता है जैसे हम टू लास्ट में लगाते हैं, टी डबल ओ टू, यानी जो सिर्फ हमें गुड इनकम ही ना दे बल्कि इंजॉयबल भी हो, बट इज इंजॉयबल टू, इंजॉयबल भी हो। यस किसमें नो डिफरेंस, ठीक है। जैसे उर्दू में हम बात करते हुए डिफरेंट अंदाज से बात करते हैं, हर लैंग्वेज में एक ही बात को करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। सो इंग्लिश में भी हम उसको डिफरेंट वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे इन माई ओपिनियन की जगह हम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते थे, एज आई सी इट भी लिख सकते हैं, या इसको हम यू भी कह सकते हैं इन माई जजमेंट, ठीक है, नो डिफरेंस। किसी का फिक्स और एज वेल मतलब एक ही सेंस में लगा सकते हैं। यस ठीक, दैट्स व्हाई, इसीलिए आई थिंक द आइडियल जॉब दैट आई वुड लाइक टू हैव इज टू बी एन एयर होस्टेस, दैट्स व्हाई, इसीलिए, देयरफॉर, इसकी जगह हम ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, देयरफॉर द आइडियल जॉब, द ड्रीम जॉब, ठीक है। यहाँ पे ड्रीमी जॉब नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रीम जॉब, आई वुड लाइक टू हैव is to be an air hostess, is to be, वो ये है कि बन जाना, वो air hostess बनना है, is to be an air hostess. Sentence structure यहाँ से देख लें किस तरह से हम अपनी ideal job के बारे में, अपनी ideal personality, future life के बारे में जो हम बनना चाहते हैं उस personality के बारे में English में किस sentence के साथ हम description देंगे। Okay. नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से ही आप रीडिंग करें। दिस जॉब इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर्स ऑन प्लेन्स, सर्व फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे हैव अ सेफ फ्लाइट। इस जॉब में शामिल है कस्टमर्स की देखभाल करना प्लेन्स में, उनको फूड सर्व करना और ड्रिंक्स पानी वगैरह, और ये ख्याल रखना, यकीन बनाना कि ये सब फ्लाइट जो है वो सेफ हो। दिस जॉब इन्वॉल्व्स, हम यहाँ ये भी कर सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड, या इट रिक्वायर्स, दिस जॉब रिक्वायर्स, दिस जॉब डिमांड्स, या इट नीड्स टेकिंग केयर ऑफ। सो जब आप अपनी आइडियल जॉब का जिक्र करेंगे तो आप भी इसी तरह से लिखते हुए उसके बाद आईएनजी फॉर्म से जो है हम वो उस सेक्शन का जिक्र करेंगे, उस इसके अंदर जो जो टास्क होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन आप देंगे। दिस जॉब इन्वॉल्व्स चेक इन, गोइंग, सिटिंग, ईटिंग, रीडिंग, जो भी आप आगे लिखना चाहते हैं। चेक इन केयर ऑफ कस्टमर्स ऑन प्लेन्स, सर्विंग फूड्स, लिखिएगा ये सारा आईएनजी फॉर्म में आ रहा है। चेक इन केयर, सर्विंग फूड, मेकिंग श्योर, ओके, यहाँ पे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपने ध्यान रखना है। ये क्यों आ रहा है? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनेगा। आप यहाँ टू फॉर्म में नहीं लिखवा सकते। क्या चीज सोचे कि हम इसको मतलब इस तरह से लिखेंगे, क्या कंडीशन है?
अब यहाँ पे देखें जिस जिस जॉब का जिक्र किया जा रहा है उस जॉब के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उसके लिए आपने उस सेक्शन का जिक्र करना है। एयर होस्टेस की जॉब है तो यहाँ पे आ रहा है दिस जॉब इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की केयर करते रहना, उनको ड्रिंक्स और फूड सर्व करना, और इस चीज को जो है मेकिंग श्योर यानी इस चीज का ध्यान रखना कि दे हैव अ सेफ फ्लाइट, कि वो महफूज है, उन्हें कोई किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है। सो आप किसी भी जॉब का अगर जिक्र करती हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग का जिक्र करती हैं, तो आप लिखेंगे दिस जॉब इन्वॉल्व्स टीचिंग चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ देम एंड मेकिंग श्योर, आगे आप जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस जॉब की होंगी। राइट मैम, ये इन्वॉल्व के बाद प्रेपोजिशन आती है? इस सेंस में नहीं आएगी, वैसे आती है मैम। जैसे एक सेंटेंस है कि कुछ लोग खतरनाक किस्म के जराय में मुलविस हैं, तो मैम हम इसमें इसको ऐसे लिखेंगे पीपल इन्वॉल्व हीनियस क्राइम या इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम लिखेंगे? नो नो, वहां पे प्रपोजिशन आएगी फिर। ठीक है मैम, उस पे क्या आएगी? इन आएगी। यस, इन्वॉल्व इन। सही मैडम, वैसे ये इन ज्वाइन करूं, मुझे आवाज का मसला हो रहा है। यस, आप लीव करके फिर से ज्वाइन कर लें। यस जी सिद्धा, पूछिए आप। मैम वो मैं ये कह रही थी कि ये इन पहले आ गया है तो फिर ये प्रपोजिशन की जरूरत तो नहीं होगी यहाँ पर। जी इन्वॉल्व इन माय कंट्री, नहीं नहीं इन्वॉल्व इन आ गया। जी जी नो नो, ये इन प्रपोजिशन का इन नहीं है, ठीक है। जिस तरह हर एस जो होता है लास्ट में वो प्लूरल एस नहीं होता, सो इस तरह इन्वॉल्व में भी ये जो इन इसके साथ आया है ये प्रपोजिशन वाला इन नहीं है। जी आगे चलते हैं, आगे रीडिंग आप करें सिद्धा। इन माय कंट्री, इन माय कंट्री टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, मेरे मुल्क में इस पोजीशन को अप्लाई करने के लिए एन एप्लीकेशन हैज टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट, जो दरख्वास्त दी जाती है वो बहुत सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग बीइंग एटलीस्ट 20 इयर्स ओल्ड, जिसमें शामिल है कि 20 साल उम्र का होना, हैविंग गुड कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत कर सकना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की सलाहियत, हैविंग गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड सो ऑन, और इसी तरह से एक अच्छी गिरफ्त होना जुबान को बोलने में। ओके जी, यहाँ देखिएगा एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मीन्स यानी हम यहाँ मेंबर्स भी कह सकते हैं, कैंडिडेट भी कह सकते हैं, और कंटेस्टेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। राइट, कैंडिडेट्स, कंटेस्टेंट्स और मेंबर्स। इसी तरह नेक्स्ट जो है फ्रेज देखिएगा, टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट्स, यानी मुख्तलिफ या कई रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट वेरियस डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, इंक्लूडिंग बीइंग एटलीस्ट 20 इयर्स ओल्ड, हैविंग गुड कम्युनिकेशन। अब यहाँ देखिएगा जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उनमें जो ये है एटलीस्ट 20 इयर्स ओल्ड, इसके साथ लिखा गया बीइंग, और गुड कम्युनिकेशन के साथ लिखा हुआ हैविंग, ठीक है, आगे कमांड ऑफ लैंग्वेज के साथ भी हैविंग लिखा गया है। सो हमें ये अपनी सेंस के लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं उसके लिहाज से हमें यहाँ पे वर्ब यूज करना है। एटलीस्ट 20 इयर्स ओल्ड, बीइंग, बीइंग का मतलब होता है होना, और हैविंग का मतलब होता है रखना। सो हम जहाँ एज की जिक्र करेंगे वहां पे हम बीइंग यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे किसी स्किल की बात आ रही है वहां पे हम हैविंग का जिक्र करेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक स्किल का जिक्र किया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सो स्किल इज अ नाउन, सो इस नाउन को डिफाइन किया गया कैसी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दो वर्ड्स के साथ इसको डिफाइन किया गया, सो इन दो वर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए हम ये साइन यहाँ पर यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट चलते हैं। वन स्पेशल थिंग इज दिस करियर इज ओपन टू बोथ मैन एंड वेमेन, although women are preferred. One special thing, इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोई बताए? One special thing. One important thing.
बिल्कुल सही. और क्या आ सकता है? द एसेंशियल रिक्वायरमेंट. बिल्कुल सही, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट. ओके, इज दिस करियर इज ओपन टू. अब यहाँ पे भी इस फ्रेज को आप नोट कर लें, आप इसको इसी तरह से यूज करेंगे. इज ओपन टू, यानी इसका मतलब है इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. यहाँ प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, इट्स वुमेन, वुमेन. ये दो तरह से वर्ड्स है ना, एक जो सिंगल यूज किया जाता है और एक प्लूरल. जो सिंगल होगा एम ए एन के साथ उसको हम बोलते हैं वुमेन, सिंपल उसको जैसे बोला जाता है. लेकिन जब ये प्लूरल सेंस में आता है तो इसको वुमेन बोला जाता है. वुमेन, वुमेन, नॉट वुमेन, इट्स वुमेन, वुमेन. ऑल्दो अगरचे वुमेन आर प्रिफर्ड, प्रिफर्ड मीन्स दे आर फेवर्ड, यानी उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी फेवर की जाती है. दे आर सिलेक्टेड. ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं. फिर आप क्लास में आए तो यहाँ से रीडिंग करें. आई थिंक शी इज नॉट इन द क्लास. ओके सर, आप यहाँ से रीडिंग करें. देर आर मेनी रीजंस व्हाई आई थिंक. देर आर मेनी रीजंस व्हाई आई थिंक दिस जॉब वुड सूट मी. बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये जॉब मुझे मुनासिब है. फर्स्टली आई हैव अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग. पहली चीज़ ये है कि मेरे अंदर सफ़र करने का मैं सब्र पाया जाता है, सफ़र करने की रग़बत कह लें. टेकिंग दिस जॉब आई कुड ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज एज ए रेगुलर बेस basis, on a regular basis. इस जॉब को ज्वाइन करते हुए मैं ट्रेवल कर सकूँगा मुख्तलिफ मालिक की तरफ रेगुलर बुनियादों पर. Occasionally, when I have free time between flights, I would be able to go sightseeing and enjoy a variety of local food. जब मेरे पास दो flights के दरमियान free time होगा तो मैं इस काबिल होऊंगा कि जाऊं साइड नज़ारे देखने के लिए और इंजॉय करूं लोकल खानों की मुख्तलिफ वैरायटीज को. ओके जी, हाँ देखिएगा. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई थिंक दिस जॉब वुड सूट मी. फिर से यहाँ पे हम पहले भी ये रूल सीख चुके हैं. सूट मीन व्हेन समथिंग इज perfectly or which is proper for you. So aap kehte hain it suit me, this suits you, not to you, not to me, not on me, not on you. Yani suit ke sath koi bhi preposition use nahi ki jayegi. Aur iske baad I have a passion for traveling. Passion means yani aap hum kahenge I have a great, you can say excitement, theek hai, jazba jise kehte hain. Bahut zyada khwahish, इंटेंस डिजायर, उसको पैशन हम कहते हैं किसी भी चीज के लिए. टेक इन दिस जॉब मीन्स यानी इस जॉब के होते हुए, ठीक है, बाय होल्डिंग दिस जॉब, इस जॉब के हाथ में होते हुए आई कुड ट्रेवल. यहाँ पे खुद जो है ये फ्यूचर के लिए आया, यानी आपके पास अभी वो जॉब नहीं है, आप उसको इमेजिन करके जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो मेरे पास हो आई कुड ट्रेवल. सो यानी जब आप इस तरह से कोई सिचुएशन का जिक्र करते हैं सो आप वहाँ पे खुद यूज कर सकते हैं. मैं ट्रेवल कर सकूंगा टू मैनी कंट्रीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऑन अ रेगुलर बेसिस, बेसिस जो है इसको यानी ये एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है. इसका जो एस लास्ट में आ रहा है इसको देख के हमने इसको प्लूरल नहीं लेना. इसका जो प्लूरल होगा वो होगा बी ए एस ई एस, लेकिन बी ए S I S ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है. इसका मतलब होता है बेस, सिनोनिम जो है इसका.
यानी जो प्राइमरी पॉइंट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो किसी चीज की बिगनिंग होती है उसको कहते हैं बेसिस. अच्छा जो रेगुलर बेसिस यानी रोजाना की बुनियाद पर मैं इसको शुरू करूंगा. ओकेजनली, ओकेजन से ये लफ्ज है ओकेजनली, इसका मतलब होता है कभी कभार, समटाइम्स. ओके, ओकेजन टू ओकेजन. When I have free time between flights, I would be able to go sightseeing. Sightseeing का मतलब होता है to visit beautiful places. ठीक है, as a tourist. खूबसूरत मनाजिर की जगहों की के विजिट करना उसको कहते हैं sightseeing. I would be able to go sightseeing and enjoy a variety of local food. Variety means a lot of local food. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले. मैडम मेरे दो क्वेश्चन हैं. जी मैडम, ये आपने वो फूड का रूल क्या बताया है कि वो मैं कर सकूंगा, किस सेंस में आएगा जब वो मतलब कोई चीज. आई कुड. कुड जो है इसको हम पास्ट के लिए भी यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए भी. पास्ट में जब ये आता है तो हम किसी सलाहियत के लिए इसको यूज करते हैं. वो सलाहियत जो पास्ट में हमारे पास थी, हम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं हम कर सकते, तो उसके लिए हम कहते हैं I could. जैसे I could run very fast when I was 5. जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, यानी तब दौड़ सकता था, अब नहीं मैं तेज दौड़ सकता. I could drive a car. मैं कार चला सकता था, अब नहीं चला सकता, अब सलाहियत नहीं है. लेकिन इसी तरह ये फ्यूचर के लिए भी यूज होता है. जैसे यहाँ लिखा हुआ है I could travel. मैं सफर कर सकूंगा, कर सकूंगा. पास्ट में आता है कर सकता था, फ्यूचर में कर सकूंगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये इसी तरह से है. पास्ट के लिए और फ्यूचर में जो सलाहियत का हमने कहना हो कि कर सकता था या कर सकूंगा, खुद यूज होता है. और प्रेजेंट में अगर हमने कहना हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. आई कैन रन वेरी फास्ट. मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, यानी ये सलाहियत अभी मेरे पास है. और ये पता कैसे चलेगा कि ये फ्यूचर के लिए है या पास्ट के लिए है खुद, तो वो बात की सेंस से हमें समझ आ जाती है कि ये फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है या पास्ट के लिए. राइट. ओके मैडम, ये आईएनजी से सेंटेंस स्टार्ट करने का एक बार रूल रिपीट कर दें. जैसे टेकिंग दिस जॉब, यानी जब हमने कहना हो ना कि ये इस काम के होते हुए, यानी जब ये काम जारी होगा, ये काम मुसलसल हम कर रहे होंगे, रीडिंग दिस बुक, इस किताब को पढ़ते हुए, going there, वहां जाते हुए, taking this job, इस job के होते हुए. ठीक है, ठीक. Okay. ये next paragraph पे चलते हैं. राबिया, यहां से आप रीडिंग करेंगी. Secondly, okay, secondly, I have quite a good command of English and French. दूसरी बात यह कि मेरे पास यानी मुझ में English और French की जो है एक अच्छी मेरे पास उसका command है, एक अच्छा control है, which are spoken by the majority of people, जो कि बहुत से लोग उसको बोलते हैं around the world, पूरी दुनिया में. Therefore, this would help me a lot if I could get this job. इसलिए ये मेरी बहुत मदद करेगा अगर मैं ये job हासिल कर लूँगा. ओके, यहाँ देखिए आई हैव क्वाइट अ गुड कमांड. क्वाइट, क्वाइट के लास्ट में जब ई आ रहा होता है तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, फुली. अ गुड, अ फेयर कमांड, यानी अच्छी खासी मेरे पास मेरा जो है यानी ग्रिप है इंग्लिश लैंग्वेज पर और फ्रेंच लैंग्वेज पर. ओके, यहाँ अगर आप कमांड लिखते हैं तो इसके साथ प्रपोजिशन देख लीजिए ऑफ. गुड कमांड ऑफ दैट और दिस, जिस भी चीज की आपने किसी भी स्किल की कमांड बतानी है तो कमांड ऑफ आएगा. विच आर स्पोकन, अब ये लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, सो यहाँ पे विच यूज किया जा रहा है, जो कि बोली जाती है. पैसिव सेंटेंस है इसलिए आर के साथ स्पोकन आया. अगर यहाँ पे किसी लिविंग थिंग की बात की जा रही होती किसी इंसान की तो हम लिखते हु आर, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस की बात आई सो विच आर स्पोकन. मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, अक्सरियत और अकलियत, इसके साथ ऑफ लगाते हैं. Minority of members, majority of members, majority of people, minority of people. Around the world, इसको replace करें किसी phrase से. Throughout the world. All over the world. All over the world, through the world, throughout the world. Yes, ठीक है. Therefore, this would have. Therefore, इसको भी replace करें.
therefore, इसलिए. That's why. बिल्कुल सही है, दोनों यूज किया सकते हैं. Because of this, therefore, that's why. This would help me a lot. अब यहाँ देखिएगा, lot of नहीं आया. A lot of जब हम off लगाते हैं तो उसके बाद हमने किसी noun का जिक्र करना होता है, जैसे a lot of people, lot of books, lot of students. लेकिन हम action का जिक्र कर रहे हैं, so हम कह रहे हैं कि मेरी बहुत ज्यादा मदद करेगा. As a verb use कर रहे हैं, so हम off नहीं लगाएंगे, just a lot. This would help me a lot if I could get this job. अगर मुझे ये job मिल जाए. जी, यहाँ तक कोई question हो तो पूछ लें. मैम ये a lot end पे आता है, it would help me a lot. Yes, a lot जो है ना ये किसी action के लिए use होता है, जैसे यहाँ पे आता है ना help के लिए, ये मेरी मदद करेगा a lot, बहुत ज्यादा. लेकिन जो a lot of ये phrase है, ये किसी noun के साथ आती है. ठीक है, a lot of बहुत ज्यादा चीजें, आगे चीजों का नाम आता है ना, a lot of books, a lot of people. ठीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग आप स्टार्ट करें सिद्रा. लास्टली, लास्टली बिल आखिर, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद अदर्स. मैं दूसरों के साथ बात करने में बहुत मैंने दिलचस्पी ली, सो आई बिलीव दैट दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर मी. तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल बेहतरीन है, सिंस आई वुड मीट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से हर रोज मिल सकूंगी. एज अ फाइनल रिपोर्ट आई होप दैट आई कैन फॉलो माई ड्रीम करियर इन द फ्यूचर. एज अ फाइनल पॉइंट, आखिरी बात ये है कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जो भी मेरे मैंने अपने करियर के बारे में ख्वाब देखे थे उनको मैं पूरा कर सकूँ. ओके जी, यहाँ देखिएगा, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद अदर्स. लास्टली, लास्टली की जगह हम क्या लगा सकते हैं वर्ड इसको रिप्लेस करने के लिए? फाइनली, इवेंचुअली. बिल्कुल सही, इवेंचुअली, लास्टली, इन द एंड. आई एम रियली इंटरेस्टेड. सॉरी, क्या बोला आपने? फाइनली मैं कह रही हूँ, आ सकते हैं. यस, बिल्कुल सही, फाइनली आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद अदर्स. यानी अब अपनी बात को सम अप कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे समराइज करते हुए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, फाइनली, इवेंचुअली, लास्टली. आई बिलीव दैट दिस जॉब इज परफेक्ट फॉर मी सिंस आई वुड मीट. सिंस, यहाँ पे सिंस जो है सेंटेंस के दरम्यान में जब आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बिकॉज की मीनिंग में आ रहा है, क्योंकि क्योंकि आई वुड मीट हंड्रेड ऑफ पीपल. अभी हम मीट के साथ प्रेपोजिशन नहीं यूज होती, मीट विद नहीं लिखते. आई वुड मीट विद, मैं बहुत से लोगों से मिलूंगा. मीट का मतलब ही होता है बहुत मिलना, यानी किसी से मिलना. सो विद की जरूरत नहीं पड़ती लगाने की. हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों से. जब आपने इस ऐसी तादाद का जिक्र करना हो, यानी जिसकी क्वान्टिटी नंबरिंग जो है वो हंड्रेड्स में है, सैकड़ों में है, तो हम कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ. सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उसके बाद नाउन लगाते हैं ऑफ लिखने के बाद. एवरी डे. एज अ फाइनल पॉइंट, एज अ फाइनल पॉइंट, यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? इसको रिप्लेस किससे करेंगे? कॉन्सिक्वेंटली आ सकता है. Consequently का मतलब होता है नतीजतन. जी, यहाँ पे suitable नहीं है इतना. और कोई बताए? At last. बिल्कुल सही. और क्या आ सकता है? हम as a final point यहाँ पे भी खाली लिख सकते हैं. Eventually, ठीक है, eventually के अलावा हम ये ultimately भी लिख लेते हैं यहाँ पे. At the end of the day, at the end of the day भी यहाँ पे use कर सकते हैं. I hope, आखिरकार, यानी बिलाखिर मैं, मुझे उम्मीद है. I can follow my dream career in the future. यहाँ पे follow means, यहाँ पे follow की जगह हम pursue भी लिख सकते हैं. Pursue means यानी अपनी ख्वाबों को, अपनी dreams को पूरा करने के लिए struggle करना, ख्वाबों का पीछा करना. ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें.